Hello, students. This is Vivek Tiwari. In this video, I am going to start a new chapter of algebra, right? That is linear equation in two variables. So, here my first question is why this chapter is called linear equation? Okay, there is a very simple reason because the degree of each variable is one. Okay, for example, if we consider general form of linear equation then its general form is ax plus by plus c equals to 0 right here the degree of x and y is 1 right hence it is called linear equation right what is the complete name linear equation in two variable so you can see that ax plus by plus c equals to 0 in this equation a b c are constant any numbers

And x and y are unknown term, hence x and y are called as variable. Why? In this chapter, we will learn how to solve simultaneous equation. Okay? Then we will see concept of determinant and we will solve linear equation with the help of grammar's rule. Then we will learn graphical solution of the linear equation. Afterwards, at the ending of the chapter, we will see.

नाइन्थ स्टैंडर्ड में सीखा दैट इज चैप्टर नंबर एक्सरसाइज हैम मैथड सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करने वाले हैं वहाँ पर दो इक्वेशन दिया रहता था एक इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट अज्यूम करते थे सेकेंड को इक्वेशन नंबर टू अज्यूम करते थे सेम थिंग यहाँ पर मैंने वही किया फर्स्ट इक्वेशन को वन अज्यूम कर लिया सेकेंड वाले को टू अज्यूम कर लिया राइट साइमल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे हम लोग चेक करते थे कि किसी एक वेरिएबल का कोफिशेंट सेम है कि नहीं है राइट आइदर एक्स का या फिर वाई का दोनों में से किसी एक का कोफ़िशेंट सेम होना चाहिए जिस वेरिएबल का कोईफिशन सेम रहता था उसको हम लोग कट कर देते थे राइट सो कट करने की वजह से वो एलिमिनेट हो जाता था और दूसरा कोईफिशेंट जो है उसके थ्रू हम लोग को क्या होता था वेरिएबल की वैल्यू मिलती थी सेम थिंग यहाँ पे करने वाले हैं फर्स्ट स्टेप जो है आपको चेक करना है कि कोई किसका कोफिशियंट सेम है ओके फर्स्ट वेरिएबल ए है ए के आगे कितना नंबर है थ्री इधर ए के आगे कितना नंबर है वन सो ए का कोफिशियंट सेम है क्या नहीं इसका कितना है थ्री है इसका कितना है वन है दोनों अलग अलग है सो ये केस में दोनों वेरिएबल जो है ए जो है ए का कोफिशेंट सेम नहीं है बट अगर मैं बी की बात करूँ बी का कोफिशंट कितना यहाँ पे फाइव है यहाँ पे कितना है फाइव है सो बी का कोफिशेंट सेम दिख रहा है आपका या तो ए का या तो बी का दोनों में से कोई एक सेम होना चाहिए यहाँ पे है किसका सेम है बी का सेम है राइट मीन्स हम लोग बी को क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं, तो उसके थ्रू ए का वैल्यू मिलेगा ओके बी कैसे कट होगा हम लोग क्या तो प्लस कर सकते या तो माइनस कर सकते हैं ओके उसके थ्रू क्या होगा एक एलिमिनेट हो जाएगा फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन प्लस है ये इक्वेशन प्लस है अगर मैं दोनों इक्वेशन को माइनस कर तो क्या हो जाएगा थ्री माइनस वन टू आ जाएगा फाइव माइनस फाइव क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा राइट सो बी कितना आ गया जीरो आ गया मतलब बी क्या हो जाएगा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाने वाला मतलब बी क्या हो जाएगा इक्वेशन में से रिमूव हो जाएगा राइट सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता हूँ किस को इक्वेशन वन एंड टू को राइट सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम टू और इक्वेशन टू फ्रॉम वन तो हम लोग क्या करें इक्वेशन टू को सप्रैक करें कहाँ से कर रहे वन में से कर रहे राइट सो फर्स्ट राइट इक्वेशन वन दैट इज थ्री ए प्लस फाइव बी इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स दैट इज इक्वेशन नंबर वन नाउ राइट इक्वेशन टू दैट इज वन ए प्लस फाइव बी इक्वल टू ट्वेंटी टू दिस इज इक्वेशन नंबर टू नाउ सप्रैक्ट बोथ द इक्वेशन द सप्रैक्ट क्या माइनस 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 ओके सो थ्री माइनस वन विल बी टू नाउ यहाँ पे माइनस है मतलब ये जो फाइव था इसका साइन चेंज हो गया अब फाइव प्लस नहीं है फाइव क्या है माइनस है सो फाइव माइनस फाइव विल बी ज़ीरो मतलब ये क्या हो गया कैंसिल हो गया ओके ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी टू हाउ मच फोर टू मल्टीप्लाई में इसको इधर भेज दो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा सो फोर अपॉन टू फोर अपॉन टू इज हाउ मच टू सो यहाँ से ए का वैल्यू मिल गया ए का वैल्यू कितना मिला टू मिला ओके अब तुमको बी का वैल्यू चाहिए बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे ए का जो वैल्यू आया या तो उसको इक्वेशन वन में पुट करो या तो इक्वेशन टू में पुट करो ये तुम्हारा चॉइस है कि तुमको ए का वैल्यू वन में पुट करना है कि ए का वैल्यू टू में पुट करना है जो तुमको इक्वेशन इजी लगता है वन इजी लगता है तो वन में कर लो टू इजी लगता है टू में कर लो तुम्हारा चॉइस राइट सो यहाँ पे इक्वेशन टू ज़्यादा ईजी लग रहा है सो ए का वैल्यू हम लोग कहाँ पर पुट करते हैं इक्वेशन टू में तुम वन में भी कर सकते हो सो पुट ए इक्वस टू टू इन इक्वेशन टू सो फर्स्ट राइट इक्वेशन टू दैट इज वन ए प्लस फाइव बी इक्व टू ट्वेंटी टू सो वन ए के प्लेस पे कितना आएगा टू आएगा राइट फाइव बी इक्व टू ट्वेंटी टू सो टू वनजा टू प्लस फाइव बी इक्व टू ट्वेंटी टू ये टू इधर प्लस है इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा सो टू को आर एच एस में ले लो सो फाइव बी इक्व टू ट्वेंटी टू माइनस टू विल बी ट्वेंटी फाइव क्या है मल्टीप्लाई में इसको इधर भेज दो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा सो ट्वेंटी अपॉन फाइव पेंसिल फाइव फोरजा ट्वेंटी होता है सो बी कितना आ गया फोर आ गया मीन्स आंसर आ गया आंसर मीन्स वॉट ए और बी की वैल्यू मिल गई ए कितना मिला टू मिला बी कितना मिला फोर मिला दिस इज अवर सोल्यूशन अगर चेक करना है आंसर राइट है कि रॉन्ग है तुम क्या कर सकते हो ए और बी की वैल्यू या तो इक्वेशन वन में या तो इक्वेशन टू में किसी वन इक्वेशन के एल में पुट कर दो और एल में पुट करने पे अगर सॉल्व करने पे आर आया मीन्स आंसर क्या है करेक्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल एक इतना टू है जिस रिप्लेस थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी सो सिक्स प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स होता है ट्वेंटी सिक्स है मीन्स हमारा आंसर क्या है करेक्ट है सो आप वेरीफाई भी कर सकते हो सो यही सॉल्व करना था हमने क्या कियाशन वन टू एज्यूम किया अज्यूम करने के बाद चेक किया कि कौन से वेरिएबल का कोफ़िशन सेम है जिसका कोईफिशन सेम रहेगा वो वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा उसको कैंसिल होने के बाद जो नेक्स्ट वेरिएबल रहेगा उसका आंसर आ जाएगा उसका आंसर जो आएगा उसके आंसर को या तो इक्वेशन वन में या तो इक्वेशन टू में क्या कर दो पुट कर दो वहाँ से क्या आ जाएगा दूसरे वेरिएबल का आंसर आ जाएगा राइट ओके अभी ये किस में क्या था दोनों कोफिशन जो थे वो क्या थे बी के सेम सेम थे बट अगर मैं ये क्वेश्चन नंबर टू की बात करूँ इसमें क्या दिख रहा है किसका भी कोईफिशियंट सेम नहीं है एक्स का कोफिशियंट कितना यहाँ पे वन है और यहाँ पे कितना है थ्री है मतलब एक्स का कोफिशियंट अलग अलग है वाई का कोईफिशन यहाँ पे कितना है सेवन है यहाँ पे वाई का कोईफिशियन कितना है टू है सो यहाँ पे भी दोनों का कोफिशंट क्या है अलग अलग है राइट सो ये केस में कोई भी कट होने वाला नहीं है जब ऐसा केस आता है कि दोनों वेरिएबल के कोफिशियंट अलग अलग है तो उस टाइम पे आपको किसी एक वेरिएबल का कोफ़िशियंट सेम बनाना पड़ता है या तो आप एक्स का बनाओ या तो वाई का बनाओ ये आपकी च्वाइस है आप कौन सा सिलेक्ट करोगे जो ज़्यादा ईजी रहेगा फॉर एग्ज़ाम्पल इधर थ्री है इक्वेशन वन में थ्री आ सकता है क्या कैसे अगर मैं इक्वेशन वन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दूँ तो थ्री वन जी होता है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा सो सेम सेम हो रहा है राइट सो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय थ्री सो वन में जितने टर्म्स से सारे टर्म्स से थ्री का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा सो थ्री वन जा थ्री प्लस सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन इक्वल टू टेन थ्री थर्टी सो मल्टीप्लाई करने पे क्या आया नया इक्वेशन आया ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर थ्री हो गया ओके इक्वेशन थ्री किसके थ्रू आया वन के थ्रू आया तो अभी ये वन को भूल जाओ अब आपका दो नया इक्वेशन कौन सा हो गया टू एंड थ्री हो गया तो आपको किसको सॉल्व करना है टू और थ्री को सॉल्व करना है तो क्या दिख रहा है टू और थ्री में जो एक्स है एक्स का कोई इफिशियंस सेम सेम है मतलब अगर मैं इसको सब ट्राइक कर दूँ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा राइट तो हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन टू और थ्री को सब ट्राइक कर देते हैं ओके यहाँ पे तुम y का कोई फ्यूशन सेम बना सकते थे बट वो बिट डिफिकल्ट था क्यों इधर सेवन था इधर टू था तो आप क्या करोगे सेवन का टेबल पढ़ो और टू का टेबल पढ़ो देखो कौन सा नंबर कॉमन आता है सेवन टू ज़ा फोर्टीन टू सेवन ज़ा फोर्टीन फोर्टीन कॉमन आ रहा है मीन्स वन में सेवन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वन में टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू में सेवन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट सो ये जो मल्टीप्लिकेशन है दोनों में करना पड़ेगा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए मैंने क्या किया वाई को अवॉइड कर दिया ओके इधर थ्री था इधर इजिली थ्री आ सकता है इसलिए इक्वेशन वन में मैंने क्या किया थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो नया इक्वेशन आया ये केस में दोनों का कोई फिशन सेम सेम है तो हम लोग दोनों क्या कर सकते हैं सब कर सकते हैं ओके सो कैसे सब करेंगे देखते हैं सब इक्वेशन टू फ्रॉम थ्री सो हम लोग क्या करें थ्री में से टू को माइनस करें सो फर्स्ट राइट इक्वेशन थ्री दैट इज थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी वाई इक्वल टू थर्टी दिस इज इक्वेशन थ्री वॉट इज इक्वेशन टू थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू सेवन दिस इज इक्वेशन नंबर टू राइट जस्ट सप्रैक्ट इट सप्रैक्ट क्यों करें बिकॉज दोनों प्लस है ना सो हम लोग क्या कर दें माइनस करें सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा सो ये प्लस था इसलिए माइनस हो गया ये क्या है माइनस है सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस तो इक्वेशन वन का साइन एज़ इट इज़ रहेगा बट इक्वेशन टू का साइन चेंज होगा अगर प्लस है तो माइनस होगा माइनस है तो प्लस होगा प्लस है तो माइनस होगा सेम थिंग यहाँ पे भी हुआ था देखो ये प्लस था इसलिए माइनस हुआ ये भी प्लस था इसलिए माइनस हुआ ये भी प्लस था इसलिए क्या हुआ माइनस हुआ तो जब सब करेंगे उस टाइम पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा राइट सो थ्री थ्री यहाँ पे क्या हो गया कैंसल हो गया बिकॉज सेम सेम था सो थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा दैट इज़ कैंसिल हो जाएगा अब क्या दिख रहा है ट्वेंटी वन माइनस टू नहीं देखोगे अब साइन चेंज हो गया है टू का साइन क्या है प्लस है सो ट्वेंटी वन प्लस टू ट्वेंटी वन प्लस टू इज हाउ मच 23 थ्री थर्टी माइनस सेवन थर्टी माइनस सेवन कितना होता है 23 ये 23 को इधर भेज दो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा सो ट्वेंटी 23 ट्वेंटी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और y कितना आ जाएगा वन आ जाएगा सो y मिल गया कितना मिला हम लोग को वन मिला राइट आफ्टर गेटिंग y नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x मैंने क्या बोला था जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी तो वो वेरिएबल को या तो इक्वेशन वन में पुट कर देना या तो इक्वेशन टू में पुट कर देना आपको जो ईजी लगता है आपको यहाँ पे कोई भी ईजी लग रहा है मुझे वन ईजी लग रहा है मैं वन में पुट कर देता हूँ सो वाई की वैल्यू वाई तो वाई की वैल्यू को पुट करो पुट वाई इक्व टू वन इन इक्वेशन वन सो राइट इक्वेशन वन राइट एक्स प्लस वाई वाई कितना है वन है सो सी मैंने क्या किया वाई की वैल्यू वन थी तो वाई के प्लेस पे वन पुट किया सो एक्स प्लस सेवन जा सेवन टेक दिस सेवन ऑन दैट साइड प्लस है तो माइनस हो जाएगा सो एक्स विल बी टेन माइनस सेवन दैट इज थ्री सो एक्स मिल गया मतलब क्या मिल गया सोल्यूशन मिल गया ओके सल्यूशन मतलब क्या मिला एक्स कॉमा वाई मिला दैट इज थ्री कॉमा वन सो हियर इन दिस क्वेश्चन अगेन वी हैव टू इक्वेशन दिस इज इक्वेशन नंबर वन दिस इज इक्वेशन नंबर टू बट क्या दिख रहा है इसमें डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन है ना सो हमेशा फ्रैक्शन को सॉल्व करना बिट डिफिकल्ट होता है सो हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन को हटा देते हैं पहले तो राइट सो क्या दिख रहा है जो इक्वेशन वन है उसके डिनोमिनेटर में कितना है थ्री है राइट हम लोग थ्री को हटाते हैं थ्री कहाँ पे डिवाइड में है तो थ्री कैसे हटेगा मल्टीप्लाई करने पे हटेगा सो हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन वन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो थ्री हट जाएगा कैसे दिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय थ्री करो थ्री से वन बाई थ्री को देन थ्री से वाई को देन थ्री से टेन बाई थ्री को सो so थ्री का मल्टीप्लीकेशन जितने टर्म है सारे टर्म में होगा थ्री का मल्टीप्लीकेशन वन बाई थ्री में भी हुआ थ्री का मल्टीप्लीकेशन वाई में भी हुआ थ्री का मल्टीप्लीकेशन टेन बाई थ्री में भी हुआ सो थ्री थ्री क्या हो गया कैंसल हो गया कितना मिला वन एक्स थ्री वाई थ्री थ्री कैंसल कितना मिला टेन मिला से so, क्या हो गया इक्वेशन नंबर वन अब क्या दिख रहा है इक्वेशन टू में डिनोमिनेटर में कितना है फोर है तो इक्वेशन टू में किससे मल्टीप्लाई करेंगे फोर से सो मल्टीप्लाई बाय फोर इन टू करो फोर का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट टर्म में भी होगा फोर का मल्टीप्लीकेशन सेकेंड टर्म में भी होगा फोर का मल्टीप्लीकेशन थर्ड टर्म में भी होगा सो so जितने टर्म है सारे टर्म में फोर का मल्टीप्लीकेशन होगा सो फोर टू जट फोर फोर कैंसल किताब बचा वन वाई फोर फोर कैंसिल किताब बचा अलेवन दिस इज अनदर इक्वेशन राइट सो वन टू हमने पहले ले लिया है तो उसको हम लोग तो कितना लेते हैं थ्री ले लेते हैं इसको कितना ले लेते हैं फोर ले लेते हैं सो so, यहाँ से क्या मिला दो नया इक्वेशन मिला ओके ना फगेट दसवा ना ये दो नया इक्वेशन मिला अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है राइट right. ये इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई कर सकते थे बट इसमें फ्रैक्शन था फ्रैक्शन को सॉल्व करना बिट डिफिकल्ट होता है जिसके वजह से मैंने क्या किया पहले फ्रैक्शन हटाया अब तक सिम्प्लीफिकेशन कुछ भी नहीं किया है जस्ट मैंने फ्रैक्शन को एलिमिनेट किया है और नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्मेट में लाया है अब सॉल्व करेंगे यू चेक इट किसका का सेम है इधर एक्स का कोई वन है इधर एक्स का कोई एट है दोनों सेम है क्या नहीं इधर वाई का कोई थ्री है इधर वाई का कोई वन है दोनों सेम है क्या नहीं हम तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे उनका कोफिशियंट सेम बनाएंगे कैसे बनाएंगे इधर एट है इधर एट ला सकते अफकोर्स कैसे इक्वेशन थ्री को एट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर इधर थ्री है तो इधर थ्री आ सकता है अफकोर्स कैसे इक्वेशन फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट right. तो ये तुम्हारा चॉइस है कि तुमको इक्वेशन थ्री में मल्टीप्लाई करना है कि फोर में मल्टीप्लाई करना है मैं क्या करता हूँ वाई का कोइफिशन सेम बनाता हूँ बिकॉज थ्री क्या छोटा नंबर है एज कम्पेयर टू एट की सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन फोर में थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं राइट सो मल्टीप्लाई बाय थ्री In equation four, okay, so multiply eight थ्री जा twenty four, three वन झा three eleven थ्री झा thirty three. So equation four में कितने से multiply किया three से तो नया equation मिला This is equation number five. Now forget this one, because equation five किसके through आया four के through आया इसलिए उसको छोड़ दिया अब क्या करना है इक्वेशन थ्री और फाइव को सॉल्व करना है एक्स और वाई निकालना है क्या दिख रहा है कोईफिशेंट सेम दिख रहा है उसको सब कर सकते हैं सब करने पे थ्री वाई थ्री वाई कैंसिल हो जाएगा वहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा ओके सो हम लोग क्या करते हैं फाइव में से थ्री को सब कर देते हैं फाइव को पहले लिखेंगे थ्री को बाद में लिखेंगे क्यों फाइव को पहले लिखेंगे बिकॉज़ फाइव के नंबर सब बड़े बड़े हैं थ्री के नंबर छोटे छोटे हैं सो बेटर है बड़े नंबर को ऊपर लिखो छोटे नंबर को नीचे लिखो ताकि कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए So, subtract equation 3 from 5. So, 3 subtract 5 means. So, just write 5. That is equation number 5. Now, write equation number 3. Now, subtract 5 and 3. सब ट्राई करेंगे साइन चेंज होगा ये नंबर प्लस था माइनस हो गया ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा सो मैंने बोला जब भी सब ट्राई करेंगे उस टाइम पे साइन क्या होएगा चेंज होएगा ओके सब कब करने का जब दोनों का साइन क्या रहेगा सेम रहेगा मतलब दोनों वेरिएबल का साइन सेम रहेगा या तो दोनों प्लस रहेंगे या तो दोनों माइनस रहेंगे उस टाइम पे सब करोगे और जब साइन डिफरेंट डिफरेंट रहेगा एक प्लस होगा दूसरा माइनस या फिर एक माइनस होगा दूसरा प्लस होगा जब साइन डिफरेंट रहेगा ऑन दैट टाइम यू सपोज टू एड बोथ दी क्वेश्चन सो यहाँ पे थ्री का साइन प्लस है ये थ्री का साइन भी प्लस है सबका साइन सेम सेम है राइट सो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा सब करना पड़ेगा ओके

आपका चॉइस आप एक्स की वैल्यू किस में भी पुट कर सकते हो आप एक्स की वैल्यू उसमें पुट करो जो इक्वेशन आपको ज़्यादा सिंपल लग रहा है यहाँ पे मुझे सबसे सिंपल कौन लग रहा है थ्री लग रहा है तो मैं थ्री में पुट कर देता हूँ सो फर्स्ट राइट इक्वेशन थ्री लिख लिया इन इक्वेशन थ्री जस्ट रिप्लेस वन इन द प्लेस ऑफ एक्स सो एक्स किधर था इधर था तो एक्स के प्लेस पे वन पुट किया वन जा वन होता है राइट right? टेक वन ऑन दैट साइड सो टेन माइनस वन हो जाएगा टेन माइनस वन कितना होता है नाइन होता है थ्री मल्टीप्लाई में उसको उधर भेज दो थ्री क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा सो so, वाई कितना आ गया थ्री आ गया सो एक्स और वाई दोनों मिल गया मीन्स क्या मिल गया हम लोग को सोल्यूशन मिल गया इक्वेशन का राइट मीन्स एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया एक्स कितना मिला वन मिला वाई कितना मिला थ्री मिला राइट right? नाउ वी विल सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो ओके एंड एक्सरसाइज वन पॉइंट वन दैट इज नाइंटी नाइन एक्स प्लस वन जीरो वाई इक्व टू फोर नाइन्टी नाइन एंड वन जीरो एक्स प्लस नाइन्टी नाइन वाई इक्व टू फाइव जीरो वन दिस इज इक्वेशन नंबर टू ओके अब क्या करना है ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बट ये इक्वेशंस को ऑब्जर्व करके क्या दिख रहा है कि क्रॉस क्रॉस में अगर देखिए तो उनका कोइफिशेंट सेम सेम है राइट right? क्या दिख रहा है इसमें एक्स का इसमें वाई का इसमें वाई का इसमें एक्स इस का राइट सो क्रॉस वाले कोफिशेंट सेम है बट हम क्रॉस वाले को लेके कुछ कर नहीं सकते हैं हमारा कौन सा सेम होना चाहिए था आमने सामने वाला ये एक्स का 99 है तो ये भी 99 होना चाहिए था बट है क्या नहीं ये 101 है तो ये भी 101 होना चाहिए था है क्या नहीं ये केस में उनका कोफेंट सेम बनाएंगे सो so अब यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई मत करो बिकॉज़ ये नंबर बहुत बड़े बड़े सो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है और इतना टाइम हमारे पास है नहीं ओके okay? सो so मैं आपको अब एक ट्रिक बताता हूँ जब कभी भी ऐसा इक्वेशन दिखेगा जिसमें क्रॉस वाले कोफ्यूशन सेम रहेंगे उस इक्वेशन को क्या करो एक बार ऐड करो तो एक नया इक्वेशन मिलेगा फिर सेम इक्वेशंस को एक बार सप्रॉय करो एक और नया इक्वेशन मिलेगा तो वहाँ से जो दो इक्वेशन मिलेगा उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा एक्स वाई मिलेगा मीन्स आपको ये क्वेश्चन में टोटल चार इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे सो so, पहले हम लोग क्या करेंगे ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप क्या होगा ये दो इक्वेशन को सप्रॉय करेंगे थर्ड स्टेप क्या होगा साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे राइट सो फर्स्ट वी विल ऐड इक्वेशन वन एंड टू सो जस्ट राइट एड वन एंड टू राइट सो फर्स्ट कॉपी वन देन क्या लिख लो टू लिख लो लिख लिया अब दोनों इक्वेशन को एड करो एड करो ओके कैसे ऐड करोगे एडिशन के टाइम पर साइन चेंज नहीं होता है नॉर्मल एडिशन करना है सो वन जीरो वन प्लस नाइनटी नाइन कितना हो जाएगा आई थिंक सो टू हंड्रेड वन ज़ीरो वन नाइन्टी फोर कितना होता है 1000 होता है राइट right? क्या दिख रहा है इसमें इसमें 200 है टेक 200 कॉमन तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ x यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ y बचेगा राइट right? और यहाँ पे कितना बचेगा थाउजेंड बचेगा थाउजेंड मल्टीप्लाई में इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा सो so, क्या आ जाएगा थाउजेंड अपॉन टू हंड्रेड कैंसल सो एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे आएगी कितनी आएगी फाइव दैट इज इक्वेशन नंबर वन दैट इज इक्वेशन नंबर वन सो यहाँ पे मुझे क्या मिला एक्स और वाई की वैल्यू मिला मतलब इक्वेशन के फॉर्म में एक्स और वाई मिला दैट इज फाइव ओके वो इक्वेशन वन हो गया तो मैं क्या बोलता फर्स्ट स्टेप सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करना है तो मैंने ऐड कर दिया ऐड करने के वजह से एक नया इक्वेशन मिला अब जैसे दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया था वैसे ही अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रेक्ट करेंगे सो सब्रैक्ट इक्वेशन कौन सा बड़ा दिख रहा है ये वाला बड़ा दिख रहा है ना तो हम लोग टू लिखते हैं सब्ट्रेक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम टू मतलब टू में से वन को माइनस करो राइट सो फर्स्ट राइट इक्वेशन टू देन राइट वन तो मैंने टू यहां पे क्यों पहले लिखा बिकॉज टू का कोई इक्वेशन बड़ा बड़ा था राइट right? सो so, बड़े नंबर ऊपर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो कैलकुलेशन क्या रहेगा थोड़ा ईजी रहेगा सब ट्राइट सब करने पर साइन चेंज होता है ये प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस सो वन जीरो कितना आ जाएगा टू आ जाएगा राइट right? अब क्या दिख रहा है 99 नाइन प्लस में है लेकिन वन जीरो वन माइनस में है सो प्लस माइनस माइनस होता है सो वन जीरो वन माइनस नाइनटी नाइन अगेन टू आएगा साइन किसका कॉपी करोगे बीगर नंबर का बीगर नंबर कौन है वन जीरो वन है उसका साइन क्या है माइनस है सो राइट माइनस फाइव जीरो वन माइनस फोर नाइन्टी नाइन हाउ मच अगेन टू आएगा राइट टू कॉमन दिख रहा है टेकआउट साइड ये टू को इधर भेज दो यहाँ पे टू मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा सो so, टू से टू क्या हो जाएगा कैंसल सो so, कितना आ जाएगा वन आ जाएगा ये इक्वेशन नंबर टू हो गया मीन्स क्या मिला नया इक्वेशन मिला अब ये दो इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ओके okay. सो so, क्या दिख रहा है ये केस में का एक्साकोइफिशियंट वन है का एक्साकोइफिशेंट वन है सेम सेम है वाई का भी वन है वाई का भी वन है ये भी सेम सेम है सो so, आप दोनों में से किसी एक को भी कट कर सकते X हो एक्स को कट किया तब भी चलेगा वाई को कट किया तब भी चलेगा बट एक्स को करेंगे तो क्या करना पड़ेगा सबक्रवाई करना पड़ेगा बिकॉज साइन क्या है एक्स का भी प्लस है वाई का भी प्लस है सेम सेम है तो so, एक्स के लिए प्लस करना पड़ेगा बट अगर मैं y की बात करूँ y की साइन क्या है यहाँ पे प्लस है यहाँ पे क्या है माइनस है तो साइन ऑलरेडी क्या है अलग अलग है तो मैंने बोला था जब साइन सेम रहेगा तो सब करोगे और जब साइन अलग अलग रहेगा तो ऐड करोगे एडिशन अच्छा है कि सब अच्छा है एडिशन अच्छा है सो so, हम लोग इक्वेशन वन एंड टू को ऐड करते हैं राइट आपकी चॉइस आप सब भी कर सकते हो आप सब करोगे तो एक्स कैंसिल होएगा आप ऐड करोगे तो वाई कैंसिल होएगा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ऐड करता बिकॉज एडिशन इज़ मोर सिंपलर देन द सप्रैक्शन सो एड वन एंड टू आप सप्रैक भी कर सकते हो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको ऐड ही करना है मैं क्या कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ एडिशन के वक्त कोई भी साइन चेंज नहीं होता है सो वन प्लस वन आगे कुछ नहीं तो कितना है वन है सो वन प्लस वन टू वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा फाइव प्लस वन सिक्स टेक टू ऑन दैट साइट सिक्स अपॉन टू कैंसल सो x x विल बी हम एच थ्री x मिल गया x मिल गया तो हम लोग तो क्या निकाल सकते हैं y निकाल सकते हैं कैसे x की वैल्यू को सब्सिट्यूट करके पुट x इक्व टू थ्री आप किस में भी पुट कर सकते हो बट हमेशा जो ईजी वाला है उसको लेने का ओके okay? सो so, आप किसको ले लो इक्वेशन नंबर इसको वन टू मत दो बिकॉज ऑलरेडी हमने इक्वेशन वन एंड टू ऊपर दिया हुआ है राइट right? इसको वन दिया है इसको टू दिया है सो so, क्या करो आप इसको थ्री दे दो इसको फोर दे दो राइट right? सो so, यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा क्या जाएगा? आ जाएगा फोर आ जाएगा सो मैं क्या करता हूँ एक्स की वैल्यू थ्री पुट करता हूँ किस में इन इक्वेशन थ्री इक्वेशन थ्री क्या था एक्स प्लस वाई इक्व टू फाइव सो जस्ट पुट थ्री इन द प्लेस ऑफ एक्स सो टेक थ्री ऑन दैट साइड फाइव माइनस थ्री हो जाएगा so y will be 2 so आ गया solution that is x comma y x कितना आया 3 आया y कितना आया 2 आया so x की value मैंने किस put किया 3 में put किया आप 4 में भी कर सकते थे वो आपकी choice है okay मैंने किस में किया 3 में किया so my dear students this is all about the lecture अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियोज़